मेरे प्यारे असम वासियों, राष्ट्र के 72वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि यह ऐतिहासिक दिन हमारी एकता, सौहार्द तथा देशभक्ति की भावना को और मजबूत करेगा। इस पुनीत अवसर पर मैं उन वीर शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान तक की कुर्बानियाँ दे दीं। आज आज़ादी की 7 दशक की लंबी यात्रा के बाद हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। इस लंबे समय के बीच देश में कितने उतार चढ़ाव आए, परंतु हमारे देशवासी हर मोर्चे पर एकता तथा भाईचारे के सशक्त सूत्र से बंधे रहे। हमारे इतिहास भी प्रेम और बंधुत्व का संदेश देता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे देश ने अनेक मोर्चों पर उल्लेखनीय प्रगति की। आज भारत दुनिया की 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी हमने अभूतपूर्व विकास किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई, तरुण राम फूकान, दीदी अमल प्रभा जैसे अनेक भारतीय नेताओं के त्याग एवं बलिदान के फलस्वरूप ही हमें स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता संग्राम में पुरुषों के साथ ही अनेक महिलाओं का स्तुत्य योगदान रहा। इस अवसर पर हम सभी उन्हें स्मरण करते हैं। साथ ही युवा पीढ़ी से हमारी अपेक्षा है कि उन देशभक्त महान नेताओं के जीवन से प्रेरणा लें तथा देश के प्रति अपने कर्तव्यों का अनुपालन करें। हमारे प्यारे भारत देश में अनेक धर्मावलंबी लोग रहते हैं। सबकी भाषा अलग अलग है। हमारा असम भी एक लघु भारत जैसा ही है। यहाँ भी विविध भाषा भाषी लोग रहते हैं। असम मूलतः जनजाति बहुल क्षेत्र है। प्रांतों के अनुसार हमारे देश में तरह तरह के रंग रूप, वेशभूषा, रहन सहन, खाना पीना है, परंतु सभी भारतवासियों के हृदय में अपने देश के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति है। इसलिए हम सब भारतवासी होने का गर्व करते हैं। विविधता में एकता ही भारत की पहचान है। प्रेम, एकता, अखंडता और बंधुत्व भारत की प्राचीन धरोहर है। इन माननीय मूल्यों के बल पर ही हमारे देश ने विश्व पटल पर कीर्तिमान स्थापित किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को एक नई गति मिली है। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, स्वच्छता, रोजगार आदि क्षेत्रों में त्वरित विकास का उनका सपना है। कई क्षेत्रों में हमें सफलता भी मिली है, परंतु अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। विशेष रूप से असम के विकास और सुरक्षा के प्रति हमें अपनी प्रतिबद्धता दिखलाने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं असम वासियों से अपील करता हूँ, आइए हम सब मिलकर एक सशक्त, समृद्ध, स्वच्छ और शांतिमय भारत के निर्माण का संकल्प करें। जय हिंद।